हाय एवरीवन दिस इज दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में तो आप से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे नेशन स्टेट सिस्टम का जो राइज है या इमरजेंस है इस पर एक लेक्चर लिया जाए तो आज का ये लेक्चर इस पर ही डेडिकेटेड रहने वाला है जहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राइज़ ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम या इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम कैसे रहा है क्या क्या हिस्टोरिकल प्रोसेस रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस लेक्चर का रहने वाला है ये इम्पॉर्टेंट स्लाइड जहाँ पर हम इन जो जो ग्रेजुअल प्रोसेस हुई थी इमरजेंस या राइज ऑफ द नेशन स्टेट इसको समझेंगे कि भाई नेशन स्टेट के इमरजेंस के पहले की सिचुएशन क्या थी फिर ट्रिटी ऑफ वेस्ट फेलिया के क्या फीचर्स थे कैसे इसे एक ट्रांजिशन पीरियड बनता है एक शिफ्ट आता है जहाँ से नेशन स्टेट सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाता है नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आता है तो ये तीन जो स्टेप्स हैं अब ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं हुए ओवर अ सेंचुरीज ये पॉलिटिकल uh, इवेंट्स हुए हैं पॉलिटिकल फिनमिनाज हुए हैं राइट right? तो जिसके आधार पर फाइनली हमने नेशन स्टेट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश किया तो इसको काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है हम फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि वॉट आर द फैक्टर्स जो नेशन स्टेट सिस्टम को इमरजेंस में हेल्प करते हैं इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं जब नेशन स्टेट सिस्टम को इस्टेबलिश कर दिया जाता है उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहते हैं इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं ओके okay, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है तो इस लेक्चर को मैं डिटेल में शुरू करूं उससे पहले देयर इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जैसे कि आईआर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की मिल जाएगी इंडियन पॉलिटिकल थॉट उसी तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है आप अकॉर्डिंग टू योर नीड इन प्ले को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो सी गाइज़ मे आप आप में से जो 75 परसेंट जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज़ प्लीज़ डू इट मेरा टारगेट है इसे 50 परसेंट तक रिड्यूस करना क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे आप कहीं कही ना कहीं इस चैनल को ग्रो करने पर हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि अगर हम चैनल को ग्रो करेंगे रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे तभी आपके लिए और क्वालिटी लेक्चर्स लेकर आ सकते हैं आपके लिए और आ, जो विद इन टाइम हम लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं सिलेबस को कवर कर सकते हैं इन सभी के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए और आपके बिना सपोर्ट के हम रिसोर्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो गाइज़ प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स डू शेयर विद द नोन वन जो पोलिटिकल साइंस से रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा मेरे इस चैनल को एंड थैंक्स फॉर ऑल द एंड सपोर्ट जो आप मुझे ऑलरेडी दे रहे हैं सो एमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम है ये कई सेवरल इंटरकनेक्टेड हिस्टोरिकल प्रोसेस या पॉलिटिकल इवेंट्स या फिनमिनाज के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ओवर द सेंचुरीज जैसे सिक्सटीन टू नाइनटीन सेंचुरीज इसमें कुछ कुछ ग्रेजुलअल इवेंट्स होते रहे हैं जो एड ऑन होते गए और इस नेशन स्टेट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करते गए राइट right. अब जब नेशन स्टेट सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया तो ये एक टर्निंग पॉइंट था ह्यूमन हिस्ट्री पे या ह्यूमन सिविलाइजेशन पे जहाँ पर जो नेशन स्टेट सिस्टम की इमरजेंसी या राइज के साथ साथ आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पावर था उसका कंसोलिडेशन बढ़ता है इसके बाद से जो नेशनलिज्म है वो बढ़ता है ओके okay, इसी तरीके से जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़ हैं उनका फॉर्मेशन होता है तो ये एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना अगर आपको ये समझना है कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट हैं वो किस तरीके से इस्टेब्लिश हुए थे मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम के अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बेसिकली क्या होती है पॉपुल सवरिन गवर्नमेंट होती है जैसे कि भारत सरकार राइट इंडियन गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सवरिन गवर्नमेंट है मतलब इन कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनका कंप्लीट या मोनोपोली है ओवर दी डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस अदर कंट्रीज इंटरफेयर नहीं करती हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो अभी मॉडर्न जो नेशन स्टेट सिस्टम है उसमें क्या है सभी स्टेट्स इक्वल हैं राइट जैसे कि अब इंटरनेशनल सिस्टम में कोई समिट हो रही है इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ डिसीजन मेकिंग हो रही है तो सभी को इक्वल इक्वल प्लेस है ऐसा थोड़ी है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जीडीपी ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा वोट मिल जाएगा उसे दो वोट मिलेगा यूनाइटेड नेशन स्टेट जो मान लीजिए यू की जनरल असेंबली है ऐसा तो है नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन में सभी कंट्रीज चाहे वो डेवलप्ड हो अंडर डेवलप्ड हो आइडियली क्या रहता है कि इक्वल है सभी स्टेट ओके okay, कोई किसी के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेगा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं ये नेशन स्टेट सिस्टम की ओके okay, और फिर जो जियो और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें स्टेट्स क्या हैं मेन एक्टर्स हैं जियोग्राफिकल बॉर्डर्स होते हैं जैसे इंडिया की अपनी हमारी नेशनल बाउंड्रीज है ओके okay? जैसे एल ए ये सारे क्या हैं हमारे फिर इसके बाद से आप जो 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 सी की बाउंड्रीज़ हैं वो सारी मेराइन uh, बाउंड्रीज हम जिसे कहते हैं तो एक जियोग्राफिकल बॉर्डर सभी कंट्रीज़ का फिक्स है और अगर उस बॉर्डर को लेकर कोई इंक्रोच करता है तो क्या होता है डिस्प्यूट्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो उस कंट्री के पीपल्स को रिप्रेजेंट करती है तो कुछ नेशन स्टेट सिस्टम के ये कैरेक्टरिस्टिक हैं तो नेशन स्टेट सिस्टम के पहले की क्या व्यवस्था थी जब नेशन स्टेट सिस्टम इमर्जेंस में आया उसके पहले क्या सिस्टम चलता था ये समझने की बहुत ज़रूरी है अगर आप ये बिफोर द नेशन स्टेट सिस्टम का सरकमस्टेंस या सीनारियों समझ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि भाई नेशन स्टेट सिस्टम राइज कैसे हुआ इमरजेंस इसका कैसे हुआ तो अगर हम बिफोर द नेशन स्टेट सिस्टम की सीनारियों को समझें तो पहले क्या होता था फ्यूडल सिस्टम चल रहा था ओके फ्यूडल सिस्टम जहाँ पे नॉन नेशनल स्टेट या मल्टी एथनिक एम्पायर्स होते थे आपने सुना होगा मुगल एम्पायर्स ब्रिटिश एम्पायर्स रसियन एम्पायर ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर्स या ऑटोमन अम्पायर्स तो इस तरीके के मल्टी एथनिक अम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे और ये क्या है ये नेशन स्टेट सिस्टम नहीं थे नेशन स्टेट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की पहले की विवस्थ, ये व्यवस्था थी अरेंजमेंट था तो डिफरेंट अम्पायर्स हुआ करते थे जो रूल करते थे जो मोनार्कल मोनार्की होती थी कुल मिलाकर तो अगर हम इसे थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ बिफोर द नेशन इस्टेट सिस्टम तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली यूरोप में होता था इवन एशिया अफ्रीका और अमेरिका में भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था जहाँ पर एम्पायर्स होते थे आपने चाइना जापान यहाँ के एम्पायर्स को सुना होगा इवन इंडिया में ब्रिटिश अम्पायर था ब्रिटिश अम्पायर के पहले आप देखोगे कि मुगल अम्पायर हुआ करता था इसके पहले एंसियट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स होते थे ओके okay, तो इस तरीके की व्यवस्था एग्जिस्ट करती थी इस अब ये मल्टी एथनिक एम्पायर्स हुआ करते थे जहाँ पर ऑप्सल्यूट मोनार्क रूल किया करता था जैसे मान लीजिए या तो एम्पर होता था या सुल्तान होता था मतलब किंग एक तरीके से होता था राजा जो जैसे जो जै, जिसे हम कहते हैं राजा या रानी का रूल होता था उनके पास पावर होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की रूल करने की डिसीज़न मेकिंग की ओके okay, अब जो पॉपुलेशन होती थी किसी किंगडम की वो कई सारे एथनिक ग्रुप की हुआ करती थी बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते थे वो लेकिन जो ये मोनार्क या एम्पोर या सुल्तान होता था या किंग होता था वो एक डोमिनेटेड एथनिक ग्रुप के होते थे है ना कहते पर्टिकुलर जैसे राजपूतों का राज है तो एक पर्टिकुलर एथनिक मल्टीपल एथनिक ग्रुप के लोग रह रहे होते थे उस रूल के अंदर लेकिन एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप एक पर्टिकुलर क्लास होती थी जो डोमिनेट करती थी जो रूलर्स क्लास होती थी गॉट इट तो ये बिफोर द नेशन स्टेट सिस्टम था अब क्या हुआ जब ये नेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था तो ट्रांजिशन कहाँ से आता है अगर हम ये स्लाइड देखें तो हमने देख लिया कि फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट करता था मल्टी एथनिक एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे ओके okay. फिर इसके बाद से आपका नेक्स्ट जो आता है फेज वो आता है आपका थर्टी ईयर वॉर थर्टी ईयर वॉर आपका 1614 से शुरू होता है और 1648 में एंड होता है विद दिस पीस ऑफ वेस्ट फेलिया ट्रिटी जो 1648 में फाइनली एग्री uh, हुए थे इस ट्रिटी को साइन किया गया था जो पीस ऑफ वेस्ट फेलिया ट्रिटी है ये इसमें मल्टीपल या सीरीज ऑफ़ ट्रिटीज़ हैं जिसमें पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी और यहीं से इमर्ज होकर आता है आपका नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो हम थर्टी ईयर वॉर वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं जो सेकेंड स्टेज है जो थर्टी ईयर वॉर आपने अब आप, आप पहले फ्यूडल सिस्टम चल रहा था बिफोर द नेशनल स्टेट सिस्टम की स्थिति हमने समझ ली कि क्या सिचुएशन थी फिर क, जो जो डिफरेंट किंगडम्स थे ना जो डिफरेंट एम्पायर्स थे वो रिलीजन के बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट पे इंगेज हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज़न तो जो थर्टी ईयर वॉर जो 1614 में शुरू हुआ था जिसे हम वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर कहते हैं इन दर्ल्ड हिस्ट्री अंटिल वर्ल्ड वॉर वन ये वॉर शुरू होता था ओवर द रिलीजन शुरू हुआ था लेकिन ग्रेजुअली जो ये थर्टी ईयर वॉर था ये एक पोलिटिकल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो गया पॉलिटिकल डिस्प्यूट कैसे बन गया जब पावर का कॉन्सेप्ट इस पर आ गया ओके okay? पावर का कॉन्सेप्ट कैसे आया इसमें पावर का कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि भाई जब डिफरेंट किंगडम डिफरेंट एम्पायर्स वॉर या कॉन्फ्लिक्ट पे इंगेज हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो एनिमी अम्पायर है या जो एनिमी किंगडम है वो मोर पावरफुल पावर गेन कर ले वो कभी नहीं चाहेंगे ना किंगडम डिडेंट वॉन्ट द अदर्स टू गेन मोर पावर अगर वो इस तरीके से जब पावर का कॉन्सेप्ट आ गया तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट पे कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से ये वॉर चलता है आपका 1648 तक फिर फाइनली एक सीरीज ऑफ ट्रिटीज़ होती हैं जैसे पीस ऑफ वेस्ट वेलिया ट्रिटी कहते हैं और इसके द्वारा इस वॉर को सेटल किया जाता है अब इस ट्रिटी जो ये ये पीस ट्रिटी हुई थी इसके इसके क्या बेसिस थे तो एकॉर्डिंग टू दिस ट्रिटी जो पीस ऑफ वेस्ट फेलिया ट्रिटी जिसे हम 1648 की ट्रिटी कहते हैं इसमें क्या हुआ सभी किंगडम की को इक्वल स्टैंडिंग कंसीडर करने की बात की गई जो ये सीरीज ऑफ ट्रिटीज़ हुई थी इसका आउटकम्स क्या निकला बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या निकले तो इसके आउटकम्स पहला था वही इक्वल स्टैंडिंग मतलब सभी किंगडम जितने भी स्टेट्स थे जितने भी किंगडम या अंपायर्स थे उनको इक्वल स्टैंडिंग कंसीडर किया गया कोई कम कोई ज़्यादा नहीं ओके सभी क्या है इक्वल हैं और इसके साथ साथ ही यहाँ पर बात की गई कि जो कोई भी किंगडम है उसमें ना तो कोई कम इम्पॉर्टेंट है ना कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी इक्वल लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं जब इक्वालिटी मिल जाएगी इक्वल स्टेटस मिल जाएगा तो यहाँ पर हर एक कंट्री क्या रहेगी इक्वल से हो जाएगा डिसीजन मेकिंग में अब हर एक कंट्री क्या रहेगी इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर अब इसका इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर का मतलब ये है कि कंट्रीज क्या हो जाएंगी सवरेन हो जाएंगी सावरेनिटी क्या मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर किंगडम या उस पर्टिकुलर कंट्री का सुप्रीम पावर हो जाएगी टू टेक द डिसीजन टू मेक द लॉ अदर किंगडम्स या अदर मोनार्कियल रूल इंटरफेयर नहीं करेंगे गॉट इट अब इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जब इस तरीके के कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आते हैं एज अ आउटकम ऑफ द वेस्ट फेलिया ट्रिटी तो आप देखेंगे कि जो सवरिंस ऑफ द किंगडम था ये दूसरों के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे दूसरों के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे आप प्रेजेंट में मॉडर्न नेशन स्टेट देखिए इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है क्या अमेरिका उसमें कितना भी पावरफुल हो क्या अमेरिका हमारी इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर कर सकता है नहीं कर सकता है एक दो एग्जांपल्स आप ऐसे देख सकते हो जब फॉर्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तो बहुत सारे आउटसाइडर्स का सपोर्ट मिल रहा था फार्मर प्रोटेस्ट को तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है हम इसे सॉल्व कर लेंगे मिलकर हम निगोसिएट कर लेंगे आपस पे ओके इसी तरीके से आप देखोगे कि, कि खालिस्तानी वाला मैटर बहुत ज़्यादा चलता है तो कई बार खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट मिलता है कनाडा में कुछ लोग हैं जिसको लेकर गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि भाई हमारा इंटरनल मैटर है हम हाँ अपने लेवल पे इसे सॉल्व कर लेंगे हमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए इसी तरीके से जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है चाहे वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए तो दोनों का क्या क्या रहता है इंडिया का से कि भाई ये हमारा बाइलेट्रल ईज़ है और इंडिया और पाकिस्तान हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व करेंगे हमें तीसरे का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आती है एक सवरन नेशनस्टी स्टेट की तो इस तरीके का जब कैरेक्टरिस्टिक्स उभर कर आए या एज अ आउटकम आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं इसके ट्रिटीज के बाद में तो यहां पर जरूरत पड़ती है किस चीज की नेशन स्टेट की सो इमरजेंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट राइट सव्रैनिटी नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ ऑल द कंट्रीज दीज इमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई एक नेशन इस्टेट टू वर्क चाहिए एक नेशन स्टेट को के कन्सेप्ट को स्टैब्लिश किया जाए ताकि इन सारे जो कॉन्सेप्ट एज अ आउटकम आए थे वेस्ट फेलिया ट्रिटी के इनको अप्लाई किया जा सके इनको एप्लीकेबल बनाया जा सके तो आपको यहाँ से इस अगर हम फिर से इस स्लाइड में जाएं तो ट्रिटी ऑफ वेस्ट फेलिया आप समझ सकते हो कि किस तरीके से एक बेस बनती है फॉर द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम ओके यहां तक आपको समझ में आया कि कैसे और ये ये स्लाइड समझ में आई कि बिफोर द नेशन स्टेट सिस्टम क्या सिचुएशन थी फिर किस तरीके से थर्टी ईयर वॉर होता है और फिर थर्टी ईयर वॉर को कंक्लूड किया जाता है ट्रिटीज़ ऑफ़ वेस्ट फेलिया से और इस तरीके से कुछ नए Uh, या इनोवेटिव या मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इमर्ज होकर आते हैं आउट ऑफ दिस ट्रिटीज ऑफ द वेस्ट वेलिया और इसके बाद ये फर्दर किस पे कन्वर्ट होता है स्टेब्लिशमेंट ऑफ द या इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम नेशन स्टेट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ओके okay? समझ में आया अब हम ये देखते हैं कि क्या फैक्टर्स थे जो नेशन स्टेट सिस्टम का इमरजेंस हुआ या राइज़ हुआ उसके पीछे क्या कारण थे क्या फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया टू द इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी जो बिफोर द नेशन स्टेट सिस्टम की सिचुएशन थी या सरकमस्टेंसेस थी वो धीरे धीरे वैनिश होने लग गई धीरे धीरे क्या होने लगी लग एंड होने लग गई या वीक होने लग गई जैसे बिफोर द नेशन स्टेट सिस्टम क्या एग्जिस्ट करता था फ्यूडलिज्म तो अब यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म या वीकनिंग ऑफ फ्यूडल स्ट्रक्चर एक फैक्टर बनता है फॉर द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम अब ये वीकनिंग कैसे हुई फ्यूडल स्ट्रक्चर सिस्टम की या डिक्लाइन कैसे हुआ जैसे जैसे राइज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज़ हुआ राइट right, जब सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज होगा तो एक टेरिटोरियल यूनिट्स बनेगा मतलब मल्टीपल फ्यूडल जो स्ट्रक्चर्स थे वो सेंट्रलाइज्ड होंगे और एक सिंगल यूनिट बनेंगे और जब सिंगल यूनिट बनेंगे तो सोसाइटी या कम्युनिटी में ग्रेटर कोहेशन होगा और एक एक सिंगल आइडेंटिटी बनने की कोशिश होगी रादर देन की डिफरेंट डिफरेंट फ्यूडल सिस्टम ओके okay, तो यहाँ पर एक टेरिटोरियल यूनिट्स बन आ, इमर्ज होकर आती है जब फ्यूडल स्ट्रक्चर वीक होता है तो यहाँ से आप जब आ, फ, आ, जब ये सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज बनेंगे टेरिटोरियल यूनिट्स बनेंगे आइडेंटिटी एंड कोहशन बढ़ेगा इंक्रीज होगा कम्युनिटी का तो ये क्या होगा एक नेशन स्टेट सिस्टम के लिए बेस बनना शुरू होगा यहाँ से राइज ऑफ़ नेशनलिज्म एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट लीड टू द इमरजेंस ऑफ नेशनल स्टेट सिस्टम अब नेशनलिज्म आपको पता है ना कि एक शेयर्ड लैंग्वेज शेयर्ड कल्चर हिस्ट्री एंड टेरिटरी एक तरीके से सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी डेवलप होना शुरू हुआ सेंस ऑफ कॉन्सियसनेस एक तरीके से नेशनल कॉन्सियसनेस कॉन्सियसनेस डेवलप हुआ नेशनलिज्म तो की जो फीलिंग्स uh, थी धीरे धीरे uh, जो इमर्ज होकर आती है कि दैट वी आर द पीपल हु फॉलो द शेयर्ड लैंग्वेज कल्चर एंड हिस्ट्री एंड टेरिटरी, वी आर पार्ट ऑफ अ शेयर्ड टेरिटरी, जैसे मान लीजिए वी आर द इंडियंस तो इंडियंस का जो सेंटीमेंट्स है या कॉन्सियसनेस है ये क्या है एक तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग है सेंटीमेंट्स हैं राइट दैट वी आर इंडियंस हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों किसी भी रीजन से बिलोंग करते हों नॉर्थ साउथ ईस्ट बट अल्टीमेटली वी आर इंडियंस सो दिस सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड कॉन्सियसनेस फर्दर लेड होती है राइज ऑफ द नेशनलिज्म और इस तरीके की जो सेंटीमेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं नेशन स्टेट को इस्टेब्लिश करने परस आ जाते हैं रिलीजियस रिफॉर्मेशन तो थर्टी ईयर वॉर क्राइसिस जो रिलीजन में शुरू हुआ था फिर पॉलिटिकल डिस्प्यूट का शेप ले लेता है धीरे धीरे उस दौरान बहुत सारी इवेंट्स होते हैं आप अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या मुझे थर्टी ईयर वॉर पे एक सेपरेट लेक्चर लेने की ज़रूरत है क्या जिससे कि आपको डीपर uh, अंडरस्टैंडिंग हो सके कि उस समय की सिचुएशन क्या थी तो क्या मैं थर्टी ईयर वॉर क्राइसिस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊं क्या आपके लिए ये मुझे कमेंट करिएगा ओके okay. अगर मुझे एक सब्सटैंशियल uh, नंबर uh, पे कमेंट्स मिलते हैं तो मैं उस पर जरूर बनाऊंगी तो हम पढ़ रहे हैं रिलीजस रिफॉर्मेशन तो रिलीज रिफॉर्मेशन में आप धीरे धीरे जो इमर्जेंस ऑफ सेकुलराइजेशन होता है कि लोग लो जो एथनिक या रिलीजियस आइडेंटिटी से बढ़कर ऊपर उठकर एक नेशनल आइडेंटिटी का सेंटीमेंट्स फॉर्म करते हैं दैट आल्सो लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटलिज्म जैसे जैसे कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज आते हैं सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के पास और इस तरीके से नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स लगते हैं जैसे कि मान लीजिए नेशनल लेवल पर एजुकेशन सिस्टम नेशनल लेवल पर जो नेशनलाइज्ड या सेंट्रलाइज्ड पब्लिक हेल्थ का जो प्रोजेक्ट्स हैं तो ये सारे नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को लाया गया जिसपे रिसोर्सिस बहुत सारे खर्च हुए और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ये रिसोर्स एलोकेट करने पे हेल्प हुई ये फर्दर एक नेशन बिल्डिंग जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज किया देन वॉरफेयर एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे तो स्टैंडिंग आर्मीज डेवलप हुई ओके okay, लोगों ने अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया प्रिंटिंग प्रेस एंड कम्युनिकेशन ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था नेशनल नैरेटिव्स एंड आइडियाज़ को प्रमोट करने पे तो इस तरीके से जब नेशनल नैरेटिव एंड आइडियाज़ को प्रमोट किया गया बाई यूजिंग प्रिंटिंग प्रेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ इसने एक शेयर्ड आइडेंटिटी के जो सेंस है उसको डेवलप किया विद इन दैट नेशनल बाउंड्रीज ट्रिटी ऑफ वेस्ट फेलिया मैंने ऑलरेडी बताया कि इसने प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सवरानिटी सवरानिटी मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक लेक्चर बनाया आप चाहें तो पॉलिटिकल थ्योरी के जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर देख सकते हो तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सव्रैनिटी को स्टेब्लिश किया यहाँ पर ओके okay, जहाँ पर जो जो गवर्नमेंट रहेगी जो रिप्रेजेंटेटिवस रहेंगे या जो स्टेट है उसके पास सुप्रीम पावर है टू मेक द लॉज टू रूल देयर पीपल्स ओके अदर कंट्रीज इंटरफेयर नहीं करेंगे ओके okay, और इंडिपेंडेंस एंड इक्वालिटी ये सारी चीज़ें आ जाती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पहले कि नेशन स्टेट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे तो वो सारे प्रिंसिपल किससे से इस्टेब्लिश हुए थे ट्रिटी ऑफ वेस्ट वेलिया के द्वारा तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो राइज ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम में हेल्प करते हैं अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम तो कैरेक्टरिस्टिक मैंने ऑलरेडी आपको स्लाइड में बताया था जहाँ पर हम आ इस स्लाइड को डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा और इसे डिटेल में देख लेते हैं सवरानिटी का कॉन्सेप्ट राइट कि भाई जो स्टेट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे होल्ड द अल्टीमेट अथॉरिटी विद इन देयर ओन टेरिटरी टेरिटोरियलिटी डिफाइंड बॉर्डर्स हो गए उन बॉर्डर्स पर जरूडिक्शन हो गई उस पर्टिकुलर स्टेट की नेशनहुड डिस्टिंग्टशन शेयरिंग अ कॉमन लैंग्वेज कल्चर हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी का सेंटिमेंट्स डेवलप हुआ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट एक सेंट्रल अथॉरिटी इस्टेबलिश की गई जो इंटायर टेरिटरी एंड पॉपुलेशन के ओ पॉपोलेशन के ऊपर रूल करेगी मोनोपोली ऑन दी वॉयेंस जो स्टेट को अब सो लेजिटिबेट यूज ऑफ वॉयलेंस मिल गया विद इन दैट टेरिटरी जैसे डिफेंस या पुलिस का स्टैब्लिशमेंट ओके okay, तो अगर कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होंगी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होंगी तो ये वॉलेंस का इनके पास सो लेजिटिमेट यूज़ ऑफ वॉलेंस है तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी अगर हम इम्पैक्ट्स की बात करें नेशनल स्टेट सिस्टम की कि इम्पैक्ट्स क्या पड़े तो नेशन सिस्टम जो नेशनल स्टेट सिस्टम है इसने मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसको शेप किया और इंटरनेशनल रिलेशन को इन्फ्लुएंस किया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस किया सोशल आइडेंटिटीज़ को इन्फ्लुएंस किया जब नेशन स्टेट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया तो आप देखेंगे कि उसी अकॉर्डिंग पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर बदला इंटरनेशनल रिलेशन का जो नेचर है स्कोप है वो बदलता है सोशल आइडेंटिटीज़ क्रिएट होती हैं नेशनल आइडेंटिटी के बेसिस पे अब जो नेशन स्टेट सिस्टम है इसके द्वारा कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दोनों एज अ आउटकम निकल कर आते हैं कॉपरेशन के लिए नेशन, नेशन स्टेट ने क्या किया अलाइंसिस बनाए डिप्लोमेसी का यूज़ किया इंटरनेशनल लॉ को स्टैब्लिश किया ओके जहाँ से ये ग्लोबल कॉपरेशन को इंश्योर कर सकें बट साथ ही साथ आप देखोगे कि नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी इसके बेसिस पे वॉर भी हुए हो रहे थे कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे थे जब आइडेंटिटी क्राइसिस आएगी देर इज़ अ ट्रांजिशन इन द आइडेंटिटी ओके तो वो जो क्राइसिस आई बीच में उसके बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए कॉन्सेप्ट ऑफ जो नेशन स्टेट सिस्टम है ये अभी भी इवॉल्व कर रहा है ऐसा नहीं है कि हम नेशन स्टेट सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया प्रॉपर इस स्टिल इवॉल्विंग ओके और बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है जैसे कि ग्लोबलाइजेशन रीजनल इंटीग्रेशन एंड राइज ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो चैलेंज दे रहे हैं चैलेंज इस्टेब्लिश कर रहे हैं नेशन स्टेट सिस्टम को तो इस पर भी ए, एक कॉन्सेप्ट बनता है या क्वेश्चन बनता है कि प्रजेंट टाइम पर ग्लोबलाइजेशन कैसे चैलेंज कर रहा है नेशन स्टेट सिस्टम को या जो ग्लोबलाइजेशन है क्या ये नेशन स्टेट सिस्टम को अंडरमाइन कर रहा है वीक कर रहा है क्या ये भी एक क्वेश्चन बनता है तो अगर आपके सिलेबस में है तो भी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या, क्या इस पर भी आपको एक लेक्चर चाहिए क्या कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन नेशन स्टेट सिस्टम को चैलेंज कर रहा है और क्या वीक कर रहा है क्या अगर कर रहा है तो कैसे नहीं कर रहा है तो कैसे ये सारी चीज़ें ओके तो ये था आपका कम्प्लीट ले ऑन द राइज़ ऑफ नेशनल स्टेट सिस्टम या इमरजेंस ऑफ द नेशनल स्टेट सिस्टम जहाँ पर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद ये समझा कि नेशन स्टेट सिस्टम को स्टेब्लिश करने की पहले की व्यवस्था क्या थी फिर ट्रिटी ऑफ वेस्ट्रेलिया क्या है और फिर नेशन स्टेट सिस्टम के इमरजेंस कैसे हुआ फैक्टर्स क्या थे जो नेशन स्टेट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने पे हेल्प करते हैं इम्पैक्ट्स क्या हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में किया अगर आप सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम लिख रहे हो या आंसर लिख रहे हो तो मेरी आपसे आपको सजेशन यही रहेगा कि डिटेल में आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो लेकिन इस तरीके का फ्लो चार्ट जरूर बनाओ जो इस प्रेजेंट स्लाइड में बना हुआ है फ़्लो चार्ट कैसे आप प्रॉपर इस तरीक़ों के एक पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करो जो इमर्जेंस ऑफ नेशनल स्टेट सिस्टम है इसकी पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करो इस फ्लो चार्ट के द्वारा जैसे स्लाइड पे बना है ये क्या करेगा आपके आंसर में क्लैरिटी लाएगा वैल्यू एडिशन लाएगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे ट्रस्ट में तो ये कुछ यूनिक स्टाइल uh, होती है आंसर राइटिंग की या यूनिक अप्रोच होता है अपने वैल्यू एडिशन के लिए अपने आंसर का और ज़्यादा क्लैरिटी लाने का ओके okay, तो इस तरीके की छोटी छोटी अप्रोचेस को आप लोग जरूर अडॉप्ट करो ये छोटी छोटी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी है आ, 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 आंसर राइटिंग में अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो अदरवाइज अगर आप सिंपली एक ए की तरह लिख रहे हो तो जनरल मार्किंग आपको मिल जाएगी अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए ओके okay, तो आपको ये सारी कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी फिर आप इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है ओके okay, तो आई होप कि आज का ये, ये लेक्चर बहुत आपको इंटरेस्टिंग uh, लगा होगा समझ में भी आया होगा कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझे और प्लीज़ अगर uh, ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि नए लेक्चर की, की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय बाय टेक केयर कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग